Moving now to what's become the latest political flashpoint between the government and the opposition, and no less than the leader of opposition has been doubling down on his claims that a slain Agniveer's family was not given compensation. In fact, this after the army as well as the government refuted Rahul Gandhi's claims earlier. Rahul Gandhi has now put out a video yet again saying that they were given insurance and not compensation, and there's a difference, and that the government continues to lie. Take a look. नमस्कार. शहीद अजय कुमार जी के परिवार को आज तक कॉम्पेंसेशन नहीं मिला है. 6 महीने हो गए, उनके बैंक अकाउंट में आज तक पैसा नहीं आया है. कॉम्पेंसेशन में और इंश्योरेंस में फर्क होता है. कॉम्पेंसेशन का पैसा उनके बैंक अकाउंट में नहीं आया है. आज तक उनको एक्स ग्रेशा पेमेंट क्यों नहीं मिला? आज तक उनके बैंक अकाउंट में सैलरी अरियर्स का पैसा क्यों नहीं मिला? अगर आप अपनी इंश्योरेंस कराते हो, आपको उसका पैसा मिलता है, मुआवजा मिलता है, तो उसका पैसा किसने दिया? आपने दिया ना. तो आप ये तो नहीं बोले कि भारत सरकार ने दिया. लेकिन यहाँ जब भारत सरकार उसका प्रीमियम पे करती है सबको कवर करने के लिए, या जो आपको 5 लाख रुपए आयुष्मान भारत में मिलता है, तो भारत सरकार देती इसका पैसा. हिम केयर योजना थी तो हिमाचल सरकार देती थी इसका पैसा. ये राहुल गांधी जी जेब से नहीं देते हैं जी. आप कर नहीं पाए जिसने किया, आप उस पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हो. अरे मेरा सवाल है कांग्रेस पार्टी से, अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार से पहले कांग्रेस क्या करती थी? किसी शहीद का पार्थिव शरीर घर तक नहीं आता था.